तो कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट टीम कैमरा सोनी ए7। बताता हूँ सब्र करो, मैंने 3 साल किया, तुम कुछ मेंट नहीं कर सकते। चलो बता ही देता हूँ, मैं तो वीडियो छोड़ के भाग जाओगे। तो पिछले 3 साल से मेरे दिल और दिमाग में एक ही कैमरा घूम रहा था और वो था FX3। Sony FX3 cinema camera। हर जगह मुझे बस FX ही दिख रहा था। फिर चाहे काम करते हुए, खाते हुए, चलते हुए, खैर अब सपना तो मैंने देख लिया, अब बारी थी पूरा करने की। मैं 3 साल काम कर रही कैमरे के लिए कुछ सेविंग की थी, और जब मैं देखता हूँ अपने बैंक बैलेंस को, मैंने 8 साल बाद अपनी ड्रीम बाइक लेने, बाइक भी ड्रीम बाइक थी। अब सपना देखा है पूरा तो करना पड़ेगा ही। मैंने अपने आप को तारीख दी 2024 1 जनवरी को मैं कैमरा लूंगा जैसे मर्जी। तो क्या मैं लग गया फिर से पैसे इकट्ठे करने। मैं दिन रात एडिटिंग की, एडिटिंग। हेलो, आई एम स्पीकिंग विद आज शर्मा, आई विल शूट फॉर यू। हो जाएगा, एक सेकंड, कैमरा तो है नहीं मेरे पास। हेलो शर्मा जी, वो कैमरा चाहिए था। ले जाओ ब्रो, और कुछ चाहिए बता देना। नहीं थैंक यू। हाँ जी सर, हो जाएगा। मैंने मल्टीपल बैक टू बैक शूट्स किए, फिर चाहे म्यूजिक हो, कमर्शियल हो, फैशन हो, वेडिंग हो, मैं कैमरे के पीछे इतना मगन हो गया था कि मुझे पता ही लगा कब तारीख पे तारीख, महीने पे महीने निकल गए। और हाँ, मैंने मैनिफेस्ट किया था 1 जनवरी 2024 को मैं कैमरा लूंगा, और किस्मत ने इतना साथ दिया कि मैं 18 नवंबर 2023 को ही कैमरा लेने आ गया। हाँ, ड्रीम कैमरा मेरा FX3 है, बट मैंने डिसाइड किया ऐसी लेने का। क्यों? जैसे पेन के बिना डायरी, यूट्यूब के बिना कैरी अधूरे हैं, वैसे ही एक कैमरा बिना लेंस के अधूरा है। तो मैंने सिर्फ कैमरा ही नहीं लिया, इसके साथ मैं लिया एक लेंस भी, सिग्मा 35mm। इसकी स्टेबिलिटी, इसका बेस्ट पार्ट जो मुझे बहुत पसंद है, वर्टिकल मोड, क्योंकि रील के जमाने में यूट्यूब फॉर्मेट वीडियो किसी को नहीं चाहिए, किसी को, और मुझे रील शूट करना पड़ता है, EMI भी तो देनी है। सो यस, आई एम रेडी टू शूट, तो चले शूट करने। सब कुछ एक ही वीडियो में देखना है, सब्सक्राइब करो, जल्दी आएगी वीडियो।